महाबलीपुरम में आप सबका स्वागत है। नहीं नहीं नहीं, पूरी दुनिया इसी। ऑलराइट, तो अभी हम है तमिलनाडु स्टेट के महाबलीपुरम शहर में। जी हाँ, इसे मामलापुरम भी कहते हैं और मामला भी कहते हैं। ये महाबलीपुरम माना जाता है अपने रॉक कट स्ट्रक्चर के लिए और मंदिरों पे नक्शी काम के लिए और उसके बीचेस के लिए। तो इस व्लॉग में हम महाबलीपुरम के सारे प्लेसेस को एक्सप्लोर करने वाले हैं। जी हाँ, वन डे ट्रिप टू महाबलीपुरम। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो चलिए महाबलीपुरम को एक्सप्लोर करते हैं। तो अभी हमें महाबलीपुरम के सबसे पहले टूरिस्ट पॉइंट पर शोर टेंपल पर, जी हाँ, ये टेंपल पर आने के लिए टिकट लेना पड़ता है। टिकट का चार्ज 40 रुपीज़ है और टिकट कुछ इस तरीके से दिखता है। महाबलीपुरम में काफ़ी सारे ऐसे हेरिटेज साइट्स है, तो सभी हेरिटेज साइट्स ये टिकट के अंदर कवर होते हैं। तो ये टिकट संभाल के रखना है, 40 रुपीज़ इसका चार्ज है और ये टिकट हर जगह अप्लीकेबल है। मतलब नया टिकट लेना नहीं है एक नया जगह के लिए। QR कोड स्कैन करके भी आप टिकट ले सकते हो। और तो हम लोग अंदर एंटर कर चुके हैं शोर टेंपल के। ये काफ़ी खूबसूरत सा पूरा गार्डन है और वहाँ पर है शोर टेंपल। जैसा कि आप देख रहे हो मेरे पीछे है शोर टेंपल। इसका निर्माण 7वीं सदी में हुआ है, जी हाँ, और ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। 1984 में ये साइट को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनाया गया। ये बे ऑफ बंगाल के शोर पे स्थित है। इस टेंपल का नाम इसलिए शोर टेंपल पड़ा गया। आपको लग रहा रहेगा कि 1-2 बज गया है, पर अभी बज रहे हैं सवेरे के 11:15। जी हाँ, यहाँ पर भाई 12 महीना धूप रहता है, थोड़ा फेवरेबल क्लाइमेट रहता है अक्टूबर से फेब तक का। तो चलिए पहुँचते हैं हमारे नेक्स्ट टूरिस्ट प्लेस पे। यहाँ के शॉप के सारे बोर्ड से आपको पता चल जाएगा कि आप साउथ इंडिया में आ गए। यहाँ के सभी लोग फैन हैं। यहाँ पर भाई, यहाँ पर KGF का पोस्टर लगा हुआ है, पुष्पा का पोस्टर लगा हुआ है। भाई दिल जीत लिया भाई साउथ इंडियन वालों ने। तो महाबलीपुरम का बस स्टैंड, जो बस डेपो है लास्ट स्टॉप, वो आपका सेंटर होना चाहिए। वहाँ से सब टूरिस्ट अट्रैक्शन पास में, सब 10-10 मिनट के अंतर पर है। ये देखो, ये रहा डेपो जहाँ पर मैं हूँ, और यहाँ से शोर टेंपल बस 5 मिनट की दूरी पर है। और अभी जो दूसरा हम टूरिस्ट प्लेस कवर करने वाले, वो भी 5 मिनट की दूरी पर है। हम जा रहे हैं कृष्णा बटर बॉल पे। तो हमारे सामने है द ह्यूज स्टोन भाई, जो 45 डिग्री इंक्लाइन में स्लैंट में खड़ा हुआ है भाई, बिना कोई बैलेंस के। इनफैक्ट 19वीं सदी में यहाँ पर भाई 7-7 हाथी लगाकर इस पत्थर को गिराने का कोशिश किया था, क्योंकि ये भाई डेंजरस दिख रहा था उनको। पर आज तक ये अपनी जगह से हिला नहीं, पूरा स्लैंट है। देखो, वो लोग चढ़ नहीं पा रहे वहाँ से, मतलब सब लोग स्लिप हो रहे हैं वहाँ से भाई, सुपर। तो चलिए हम भी ट्राई करते हैं, थोड़ा एक धक्का मार के देखते हैं कि कुछ हिलता है कि नहीं। हिलेगा तो नहीं, पर धक्का जरूर मारेंगे। पूरा जोर लगा दिया मैंने, पर ये पत्थर टस से मस ना हुआ। अपने बस का बात नहीं है भाई, काफी सारे लोगों का बस का बात नहीं है, जगह से हिल ही नहीं रहा है भाई। देखो पूरा स्लैंट है यहाँ पर, कैसे तो भी चढ़ रहे हैं इन लोग। ये पत्थर नीचे नहीं आएगा ना? नहीं नहीं नहीं, पूरी दुनिया इसी गारंटी देने वाले चले गए। इस परिसर में और भी काफी सारे बड़े बड़े पत्थर थे जो यूनिक तरीके से खड़े थे, मैं तो देखता ही रह गया। कोकोनट हाउ मच? सो गिव मी वाटर। तो कृष्णा बटरबॉल के ठीक पास में यहाँ पर है गणेश शरण। तो कृष्णा बटरबॉल के कॉम्प्लेक्स में ही है अर्जुनास पेनांस, अर्जुन की तपस्या। ये देखो पूरा कार्विंग दिया हुआ है यहाँ पर। अर्जुनास पेनांस के ठीक बाजू में है कृष्णा मंडपा, पूरा सामने अर्जुना पेनांस और ये कृष्णा मंडपा। स्ट्रक्चर में यहाँ पर श्री कृष्ण भगवान ने गोवर्धन पर्वत उठाया है और नीचे सारे गाँव वासी है। काफ़ी प्यारा सा है ये कृष्ण मंडपा, खूबसूरत है। तो अभी हम जाएंगे महाबलीपुरम लाइट हाउस की तरफ, और लाइट हाउस में जाने के लिए
ये सारा प्राइस लिस्ट है, बड़ों का 10, बच्चों का 5, और टाइमिंग भी देख लो, 10 से 12:30, 2 से 4:30। तो अभी कितना बजा है? अभी टाइम है, तो चलो जाते हैं अंदर। महाबलीपुरम का हाईएस्ट पॉइंट, एकदम जोरदार हवा रही है यहाँ पर, देखो पूरा महाबलीपुरम का। लाइट हाउस से ये मॉन्यूमेंट का व्यू भी दिख रहा है। लाइट हाउस पर आकर मजा ही आ गया। देखो पीछे बे ऑफ बंगाल, पीछे वो पूरा बीच सेक्शन है एकदम लंबा, और वहां पर वो देखो वहां पर है शोर टेंपल। स्कूल के बच्चे लोग की पिकनिक आई है, तो यहाँ पर सारे सब लोग आए, और अभी हम है ईश्वरा टेम्पल पर। आप जब भी आते हो तो ये टेम्पल पर भी जरूर आइए, काफ़ी सुकून वाला वाइब है, और बच्चे यहाँ पे चौं चौं कर रहे हैं। और ये लाइट हाउस है, कुछ समय पहले हम वहाँ पर थे और सिटी का व्यू देख रहे थे। वॉट इज दिस, हाउ मच? 10 रुपीज। ऑल राइट, तो रॉक हिल टेम्पल देखने के बाद अभी हम जा रहे हैं द्रौपदी बात के तरफ। एक बात का खास ध्यान रखिए कि जितने भी सारे मॉन्यूमेंट्स हैं 6 बजे तक ही खुला रहता है, सिर्फ शोर टेम्पल रात के 9 बजे तक खुला रहता है, शायद पूजा वगैरह उधर होता रहेगा। तो अभी हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टूरिस्ट प्लेस पे। महाबलीपुरम में आपको हर जगह ऐसा लिविंग साइज स्टैचू दिखाई देगी, काफी सारी शॉप्स है स्टैचूज की, शायद ये स्टैचू एक्सपोर्ट किए जाते हैं। राइट, तो अभी हम पहुंच गए फायर रथ वाले सेक्शन में, और ये देखो मेरे सामने 5 रथ है सामने, और इस सारे रथों का खासियत ये है कि पूरे एक सिंगल रॉक से काव करके पूरा बनाया गया है ये रथ। तो ये सारे टूरिस्ट प्लेसेस कवर करते करते पता ही नहीं चला भाई मैंने खाना नहीं खाया, तो चलिए एक बहुत ही ज़बरदस्त होटल में जाते हैं और यहाँ का कुछ फेमस खाते हैं, थाली वगैरह खाते हैं, पेट भरते हैं। ऑलराइट, तो पंचरता से चल के हम भाई वापस बस डिपो के यहाँ पे आ गए, और अभी हम जा रहे हैं हमारा लंच करने यहाँ पर होटल मामला भवन। काफ़ी सुना है इस जगह के बारे में, तो आइए चलिए यहाँ पर ट्राई करके देख ही लेते हैं। कंप्लीट थाली फॉर हाउ मच? 95 अनलिमिटेड और मेरा फर्स्ट टाइम है ये, होप सो, फिंगर क्रॉस्ड। ओके।